शराब माफिया किस तरह से सिर चढ़कर उनका जुनून बोल रहा है उसकी आपको तस्वीर दिखाएंगे। सिवान में यह घटना हुई, शराब के धंधेबाजों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान धंधेबाजों ने एक दारोगा को अपनी गाड़ियों से रौंद डाला। इस वारदात में दारोगा की मौत हो गई जबकि एक चौकीदार जख्मी हो गया। सीवान में शराब तस्करों ने ढाया कहर। तलाशी के दौरान दारोगा को रौंद डाला। तिरंगे में लिपटा शव एएसआई सुरेंद्र कुमार गहलोत का है जिन्हें महकमे के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। एएसआई सुरेंद्र कुमार गहलोत की मौत कैसे हुई आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सड़क किनारे पलटी ये गाड़ी शराब तस्करों के दुस्साहस को दर्शा रही है। सीवान जिले के हुसैनगंज थाना इलाके के टिकड़ी गांव के पास ये वारदात हुई है। वाहनों की तलाशी के दौरान शराब तस्करों ने अपनी कार से पुलिस की गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी। वहीं एएसआई सुरेंद्र कुमार गहलोत को रौंद डाला जिससे उनकी मौत हो गई जबकि एक चौकीदार जख्मी हो गया। दारू वाला गाड़ी आया, हम लोग गाड़ी ऐसे रोड पर लगाते मुहानी था टिकड़ी में और रोबोटे ले ले चल गया। कौन सी गाड़ी थी? कार थी। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और चालक इस पूरे घटना का दुर्घटना का या घटना का फायदा उठाकर यहाँ से भागने में सफल हो गया है। पोस्टमार्टम कराया गया, इसमें कांड दर्ज की जा रही है और जो भी इसका आगे का कार्रवाई होगी, जो फॉलो अप एक्शन होगा, उसमें पहचान की जा रही है कि कौन लोग थे और किसका यह सामान था, उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें प्राथमिकी दर्ज कर इस पर कार्रवाई की जाए। ये वारदात बता रही है कि तमाम सख्ती के बावजूद शराब के धंधेबाज बेकाबू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि शराब जो माफिया है वो लगातार बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, शराब की तस्करी के लिए अलग अलग तरह के कारनामे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और ज़रूरत है कि इस पर एक बड़ी कार्रवाई हो ताकि जो शराब माफिया है उनका मनोबल टूट सके। इस वारदात के बाद शराब के धंधेबाजों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि वो कानून के रखवालों पर हाथ डालने की हिम्मत फिर ना कर सकें।